डीएसपी साहब चिराग पासवान बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, हम यहाँ आए हुए थे राघोपुर, यहाँ रुस्तमपुर में 7 तारीख की घटना आपके संज्ञान में होगी। बगले में ने आए दिन अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, हत्या, लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं जैसे आम चीजें हो गई हैं हमारे प्रदेश में। प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उनके क्षेत्र में इस तरीके की घटना घटती है, तो सोचिए बिहार के बाकी जिलों में या बाकी विधानसभाओं में या बाकी प्रखंडों में किस तरीके से सामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे है। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं सामने आती है, या वो अपराध की घटना हो, या फिर डकैती की घटना हो, या फिर लूट की घटना हो। आपको बता दें, ऐसा ही मामला एक वैशाली के राघोपुर से सामने आया है, जहां रोशन उच्च विद्यालय में तैनात गार्ड की दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि यह मामला जो है वो वैशाली से निकल के सामने आ रहा है। वहीं आज चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। साथ ही पुलिस के उपाधीक्षक से फोन के माध्यम से बात भी किए हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आइए चिराग पासवान को सुनते हैं। तो चला जाता है, पर पीछे परिवार का क्या हाल है? जिस तरीके से अपराधी खुले आम बिना डर के, बिना भय के, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार का इकलौता जवान, खिलाने कमाने वाला व्यक्ति, वो चला जाता है और बिहार सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। 7 तारीख की ये घटना है, आज 11 तारीख हो गई है, अभी तक प्रशासन के को जानकारी ही नहीं है कि किसने किया, क्या किया। CCTV फुटेज वहाँ पे लगभग 8-9 महीने से ख़राब है, इस बात की भी किसी को चिंता नहीं कि उस फुटेज को ठीक कराएं। नाइट गार्ड की ड्यूटी पे वो व्यक्ति है, उसकी भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, जो आपकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, तो कम से कम इतना तो सुनिश्चित करवाइए कि भाई CCTV कैमरा फंक्शन हो, वो चीज़ें चल रही हों, ताकि कल को कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो कम से कम आपके पास जानने के लिए पर्याप्त साधन तो हो। पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन है इन तमाम चीज़ों को लेकर, और कई बार तो ये ऐसा लगता है कि संभवतः प्रशासन का ही संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, और यही कारण है कि बिहार में अपराध रुकने का काम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या, लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं जैसे आम चीज़ें हो गई हैं हमारे प्रदेश में, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, एक बयान उनका नहीं आता, प्रशासन एकदम खामोश है। बताइए, राघोपुर की ये घटना है, प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके क्षेत्र में इस तरीके की घटना घटती है, तो सोचिए बिहार के बाकी जिलों में या बाकी विधानसभाओं में या बाकी प्रखंडों में किस तरीके से सामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे होंगे। ऐसे में प्रशासन की बड़ी एक जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। DSP साहब चिराग पासवान बोल रहे हैं। मैडम, अच्छा, हम यहाँ आए हुए थे राघोपुर, यहाँ रुस्तमपुर में 7 तारीख की घटना आपके संज्ञान में होगी। नाइट गार्ड जो थे अजीत, उनको जिस तरीके से गोली मार दी गई, तो क्या अभी ये जितेंद्र, क्या उस पर क्या कार्रवाई क्या हुई आगे? संजय पासवान, नहीं पर इसको करवाइए थोड़ा सीरियस होके हम। हेलो, बाहर में लगा हुआ है, जाओ देखो ना उसको। कोई नहीं जाता है, कोई प्रशासन का है कि नाम बताओ गोतिया दे से, तो 4 किता 3 किता हमारे एगो भाई अलग तक केस कर रहे हैं। एगो भाई कहां के
बगले में ने से लगा है तो मत किसको लड़ता है बोल कौन हमर कौन फाइल टंग तो हो भाई हमें तो जाय तक तो बताइए बताइ मत हमें को फाइल बाबा तो मरवा दे हमर एक के बेटा बात है बुआ बेटा भाई बात हमर उठ गए आके नजर बात से ई पागल पर ले चाहे दे ला खवा रास्ता पर हमर बेटा बच्चा नहीं ई बच्चा नहीं आगे के काम खाना के पाइल गड़बई हो भाई चाबी सब दे के हमर के समय ढाई पर सार ससुर सब पुलिस है सार ससुर इतना अपना रुपया मिला सार लगा था गोली पार कर गया था हमारा तो 10 वो लगा है पूरा पैसा दे दे केसवा तर तो आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान आपराधिक मामले को लेकर निंदा व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आने पे भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और बिहार में आपराधिक मामले जो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं उसे कम करने की आवश्यकता है। तमाम फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बिहार टॉप को फॉलो करें। अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।